आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शिमला मिर्च मटन कीमा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। जब आपको कोई भी सब्ज़ी समझ में ना आए कि आज क्या बनाए, तो आप शिमला मिर्च मटन कीमा सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, यहाँ तक के बच्चे भी इसे बड़े शौक से खाते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ताजू की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से नई वीडियो लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जैसे मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले हम शिमला मिर्च के डंड को चाकू की मदद से अलग कर लें। देखिए इस तरह से सारे शिमला मिर्च के डंड को अलग कर लें और अंदर के सारे बीन निकालकर इसे खाली कर लें। इसी तरह से सारे शिमला मिर्च को हम खाली कर लेंगे और डंड को फेंकना नहीं है। शिमला मिर्च मटन कीमा बनाने के लिए मैंने लिया है टमाटर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक, प्याज, कीमा, धनिया पत्ती, अदरक लहसुन का पेस्ट, आलू, बीन्स, शिमला मिर्च, मेथी भाजी, मटर। सबसे पहले हम स्टोव पे कुकर रख के एक बड़ा चम्मच तेल डालें। तेल गरम हो चुका है। दो मीडियम साइज के प्याज को मैंने चॉप करके रख लिया था, वो डालें। डाल कर लाइट ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लें। देखिए ये ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल जाने तक इसे फ्राई कर लें। अब हम इसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर डालकर लो फ्लेम में इन मसालों को भून लें। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। इसमें दो मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप करके रख लिया था, वो डालें। टमाटर सॉफ्ट होने तक इसे पका लें। देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें खीमा डालें। मैंने 100 ग्राम खीमा लिया है। बारीक कटी हुई मेथी भाजी डालें। बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। स्वाद अनुसार नमक डालें। नमक डालकर मसालों में अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा पानी डालकर मिक्स करके ढक्कन बंद कर दें। हाई फ्लेम पे 2 सीटी आने दें। देखिए 2 सीटी आ चुके हैं। फ्लेम को बंद करके कुकर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। देखिए कुकर ठंडा हो चुका है, खीमा अच्छे से पक चुका है। मैंने सारी वेजिटेबल को बारीक से काट के रख लिया था। 1 कप आलू डालें, 1 कप बीन्स,
एक कप शिमला मिर्च, आधा कप मटर डालें, मैंने फ्रोजन मटर लिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करके ढक्कन बंद कर लें, हाई फ्लेम पे एक सीटी आने दें। एक सीटी आ चुकी है, फ्लेम को बंद कर दें और कुकर ठंडा होने के लिए रख दें। कुकर ठंडा हो चुका है, अब हम ढक्कन खोल के देख लेंगे। देखिए वेजिटेबल्स सारे अच्छे से गल चुके हैं। इसमें अभी थोड़ा पानी है, इसे ज़ीरो लें। अच्छे से पानी जिर चुका है। अब शिमला मिर्च लेकर वेजिटेबल और खीमे का जो मिक्सचर में हमने बनाकर तैयार करके रख लिया था वो इसके अंदर स्पून की मदद से इस तरह से अच्छे से फिल कर लें। इसी तरह सारे शिमला मिर्च के अंदर हम फिल कर लेंगे। देखिए मैंने सारे शिमला मिर्च के अंदर अच्छे से फिल करके रख लिया है। अब हम इसके डंट लेकर उसके ऊपर इस तरह से रख दें। पैन में 2 चम्मच तेल डालें, तेल को थोड़ा गर्म होने दें। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक एक करके सारे शिमला मिर्च रखते जाएंगे। ढककर लो फ्लेम में इसे फ्राई कर लेंगे। इसे बीच में एक बार इस तरह से पलट लें। फिर से बंद करके इसे फ्राई कर लें। देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे चारों तरफ से इसी तरह से पलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। देखिए चारों तरफ से अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं, फ्लेम को बंद कर देंगे। चलिए इसे सर्व करके दिखाते हैं। देखिए शिमला मिर्च मटन कीमा बनके तैयार हो चुका है, इसे तोड़ के दिखाते हैं। कितने अच्छे से ये पक के तैयार हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।